सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले ने ड्रग एंगल सामने आने के बाद नया मोड़ ले लिया है। नारकोटिक्स विभाग ने जांच आगे बढ़ाते हुए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। रिया और शौविक 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने कई फिल्मी कलाकारों के नाम भी बताए हैं। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने लगभग 25 बॉलीवुड स्टार्स के नाम लिए हैं जो ड्रग्स लेते हैं। इस लिस्ट में सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह के साथ साथ एक जाने माने डायरेक्टर का नाम भी शामिल है। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने मुकेश छाबड़ा का नाम लिया है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी की फिल्म दिल बेचारों को मुकेश ने ही डायरेक्ट किया है। अपना नाम सामने आने के बाद मुकेश छाबड़ा ने एक वेब पोर्टल के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इंटरव्यू के दौरान मुकेश छाबड़ा ने कहा, रिया चक्रवर्ती मुझसे बदला ले रही है क्योंकि सुशांत मामले में मैंने उसका समर्थन नहीं किया। मैंने ये तय किया था कि सुशांत मामले में मैं चुप रहूंगा, लेकिन रिया ने मेरा नाम लेकर ठीक नहीं किया, इसलिए मुझे अपने बचाव में बोलना पड़ा। मुकेश छाबड़ा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, रिया किसी का भी नाम एकदम से ले रही है। रिया को लगता है ऐसा करने से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरा ड्रग्स और नशाखोरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, मुकेश छाबड़ा सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी दोस्तों में से एक गिने जाते हैं। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा पर सुशांत इस कदर विश्वास करते थे कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही उनके फिल्म करने को तैयार रहते थे। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें भी उनकी दोस्ती की मिसाल पेश करती हैं। हालांकि रिया के खुलासे ने सुशांत और मुकेश की दोस्ती पर भी सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स विभाग के सामने ये बयान दिया है कि एक फिल्म निर्माता ने सुशांत को नशे से रूबरू कराया था। सूत्रों की माने तो रिया ने ये भी बताया कि वो फिल्म मेकर सुशांत को ड्रग वाली पार्टियों में लेकर जाते थे, जहां पर सुशांत को अलग अलग तरह का नशा कराया जाता था। रिया ने बताया ये सब जानकारी सुशांत ने उन्हें रिलेशनशिप के दौरान दी थी। आपको ये भी बता दें, फिलहाल मीडिया में किसी भी फिल्म मेकर के नाम की जानकारी सामने नहीं आई थी। मुकेश छाबड़ा के सफाई नामे से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया ने उन्हीं का नाम लिया है। बहरहाल नारकोटिक्स विभाग अब उन सितारों को समन भेजने की तैयारी कर रहा है जिनके नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए हैं। जल्द ही उन सभी से पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।